फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका मंगोल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार गेमिंग मूड। आज मैं ले आया हूँ जीटी सैन एंड्रियास का और एक नया मूड जिसका नाम है आयरन मैन 2.0 वर्सन मूड। तो ये काफ़ी अलग मूड है, इसमें मैंने आयरन मैन का बहुत सारे मूड सेलेक्ट किया है। तो आप चाहिए तो ये स्क्रीन में दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये मूड डाउनलोड करना है तो आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूड अदर मूड से कुछ अलग है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड, इंस्टॉल और एक गेम प्ले भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इसे कैसे डाउनलोड करना है हम देख लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट चल लगेगी, और वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो इस पेज को आपको स्क्रॉल करके नीचे चल ले आना है। देख सकते हैं कुछ आयरन मैन का ही आपका स्क्रीनशॉट है। फिर यहाँ देख सकते हैं तीनों लिंक होगा, डायरेक्ट, पीडीएफ फाइल एंड गूगल ड्राइव लिंक। तो ये जो गूगल ड्राइव डाउनलोड है, इस लिंक पर आपको क्लिक मार देना है। जस्ट ये आप क्लिक मारेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइव गूगल कॉम एक पेज ओपन होगा। मैं इसका डिटेल्स सबको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कपड़े सर्टिफिकेट का सिर्फ 33 MB का है ये फाइल। और आप चाहिए तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं नहीं डाउनलोड कर रहा, क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो आप चले आते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको जो लिंक दिया था डाउनलोड करके, जो एक फाइल होगा, देखिए कुछ इस तरह का एक फाइल होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा GTA आयरन मैन है, इस पर आपको क्लिक मार देना होगा। जैसे आप क्लिक मारेंगे, फोल्डर लोडिंग होगा। फिर जैसे ही कॉपी हो जाएंगे तो इस पर उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अदर मोड से कुछ अलग है। इसलिए फिर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सेटअप का और एक HGTSA का। तो इसे आपको HGTSA को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने फाइल होगा। तो इसे सबको सिलेक्ट कर लेना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इसे मिनिमाइज करना है, और जहाँ पर आपको GTA San Andreas का फोल्डर से वहाँ पर आपको चले आना है।
फिर यहाँ पर आने के बाद आपने और यहाँ पर इसे सारे फाइल को पेस्ट मार देना है। फिर यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपको रिप्लेस भी कर देना है। फिर आपको इसे क्लोज मार देना है। क्लोज मारने के बाद आपको जो ये GTA का फोल्डर मिनिमाइज किया था उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फिर बैक पे क्लिक करना है, फिर ये सेटअप वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेटअप का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आयरन मैन मोड इंस्टॉल है, इसे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं दोनों यस और नो आ चुका है। आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ओ ये लोडिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने ऑप्शन होगा, आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आयरन मैन का फोटो दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक मार देना है। फिर ये देख सकते हैं ये जो टारगेट डिक्शनरी है, यहाँ पर आपको ब्राउज मार देना होगा। जैसे ब्राउज करेंगे तो आपको जहाँ पर आपका जीते सबसे इसका फोल्डर से उसको आपको देना पड़ेगा। तो मेरा ये सी वाले ऑप्शन पर है। फिर ये ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक मार देना होगा। फिर ये जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक मार देना होगा और ये इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक मार के इंस्टॉल कर लेना है। फिर ये एक ऑप्शन आएगा, आपको ओके मार देना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लेगा। फिर यहाँ पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक मार देना होगा। फिर यह कुछ ऑप्शन आएगा तो आपको ओके मार देना होगा। फिर और एक बार आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक मार देना होगा, फिर ओके मार देना होगा।
हमारा मोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज मार देना होगा। फिर इसे मैं एक गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको प्ले करना है आयरन मैन। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट या राइट वाले ऑप्शन से। स्पेस करके आपको ये जो पावर है इसे कर लेना होगा। देखिए हमारा एक्टिवेट हो चुका है हमारा मोड। आप यहाँ से टैब प्लस क्यू के प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो वेपन्स। तो यहाँ पर आपको उड़ सकते स्पेस स्पेस मार के। तो देख सकते इसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये अब आयरन मैन है। तो आपको ये मोड पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब के लिए धन्यवाद।